आपको सीधा ले चलते हैं बिहार के पाटलिपुत्र, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पहले मिलता था उसको ताले लगा दिए, आपका हक था उस पर डाका डाल दिया, यानी लाखों एससी एसटी ओबीसी अति पिछड़े युवाओं की शिक्षा के अवसर इंडी गठबंधन वालों ने छीन लिए। आप मुझे बताइए, क्या ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? मैं जरा आपसे पूछता हूं, क्या ये आपसे विश्वासघात है कि नहीं है? क्या ये आपके बच्चों के साथ विश्वासघात है कि नहीं है? साथियों, इंडी गठबंधन की एक और साजिश, उसको अभी कलकत्ता हाईकोर्ट ने देश के सामने नकाब उतार करके खुला कर दिया है। इंडी वालों ने बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को खटाखट खटाखट एक झटके में ओबीसी का दर्जा दे दिया। इसके बाद सरकारी नौकरियों में जो लाभ ओबीसी को मिलने चाहिए था, अति पिछड़ों को मिलने चाहिए था, वो इन 77 मुस्लिम जातियों को मिलने लगा। हक किसका मारा गया? हक मेरे ओबीसी परिवारों का मारा गया, मेरे अति पिछड़ों का मारा गया। फायदा किसको हुआ? इंडी वालों की वोट जिहाद करने वालों को मिला। वैसा ही कांग्रेस के राज में कर्नाटका में रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। साथियों, आरजेडी कांग्रेस इंडी गठबंधन इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते, ये संविधान बदलकर पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। लेकिन मैं भी आज बिहार की इस धरती से सामाजिक न्याय की पुण्य भूमि से देश को एक गारंटी देता हूं, बिहार को गारंटी देता हूं, एससी एसटी ओबीसी परिवारों को गारंटी देता हूं, अति पिछड़े परिवारों को गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है मैं एससी एसटी ओबीसी और अति पिछड़ों के हकों को छीनने नहीं दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। मोदी के लिए संविधान सर्वोपरि है, मोदी के लिए बाबा साहब अंबेडकर की भावना सर्वोपरि है। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करे, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। साथियों, गरीब का ये बेटा जानता है कि जब किसी का हक छीनता है, जब किसी को उसका हक नहीं मिलता, तो उस पर क्या बीतती है। इसलिए मोदी ने गरीब को उसका हक दिया है। इसका सबसे बड़ा लाभ मेरी माताओं बहनों को हुआ है, और तभी हिंदुस्तान के हर कोने में, शायद दुनिया के लोगों का अचरज होता है कि ऐसे हजारों लाखों की तादाद में माताएं बहनें आती हैं,
बैठ करके आशीर्वाद देती है, अपना घर का काम छोड़ करके आती है। आप याद कीजिए, देश के गोदामों में अनाज सड़ जाता था, लेकिन कांग्रेस सरकार कोर्ट में जाकर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती थी कि वो गरीबों को अनाज नहीं दे सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ऐसे टांग अड़ाना बंद कर दे, यहां तक चले गए थे वो लोग। मोदी ने हर जरूरतमंद के लिए अनाज के गोदाम के दरवाजे खोल दिए। आज भी गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है, और ये मोदी की गारंटी है आने वाले 5 साल भी जिन परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है मिलता रहेगा। आज कोई मां इसलिए रात रात भर नहीं जाती कि उसके बच्चे के पास खाने को कुछ नहीं है। हम गरीब का पेट भरे, ये मोदी की गारंटी है। कोई बच्चा भूखा सो ना जाए, गरीब के घर का चूल्हा बुझ ना जाए, इसी तो लिए आपने मोदी को बिठाया है। माताओं बहनों, आप में से बहुतों को मोदी जी जो पक्का आवास योजना बनाई है वो पक्का आवास मिल चुका होगा। लेकिन मेरा एक काम करोगे आप लोग, जरा यहां बैठे हैं हाथ ऊपर करके मुझे बताएं तो मैं बताऊं। मेरा एक काम करेंगे, उधर से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे, उधर माताओं बहनों से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे, उधर पीछे से आवाज नहीं आई, मेरा एक काम करेंगे। देखिए, इन दिनों अगर आप गांव में जाते हैं, अलग अलग बस्तियों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, और कहीं पर भी आपके नजर में आए कि कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई मिट्टी के कच्चे घर में रहता है, तो आप उसका नाम पता लिख करके मुझे दे दीजिए। आप उसका नाम पता लिख करके मुझे भेज दीजिए, और उसको कह देना, उसको बड़े बिना संकोच कह देना कि 4 जून के बाद मोदी की सरकार जब तीसरी बार बनेगी तो तुम्हारे लिए घर भी बनेगा, उसको बता देना। और ये मोदी की गारंटी है, कहना उनको, उस गरीब परिवार को कहना, और मेरे लिए तो आप सभी मोदी है। और 3 करोड़ नए घर बनाऊंगा, लेकिन एक भी परिवार न रह जाए कच्चे घर में या झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर न हो, ये मैं करके रहूंगा।